सर रात के बज रहे हैं 11, सुबह उठना है 5 बजे। चलो सोते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 5 बज रहे। व्हाट्सअप एवरीवन, सो ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं। सुबह 5 बजे उठ गए थे, थोड़ा काम कर लिया, कपड़े धो लिए, कपड़े सुखा दिए और काफ़ी कुछ छोटे छोटे काम सुबह हो जाते हैं अगर जल्दी उठो तो। और अब काम की बारी है तो जल्दी से लॉग इन करते हैं एंड मैं आपसे मिलूँगा लंच में। बारह बज गए यार, भूख लग रही है। चलो कुछ बनाते हैं। Stay in prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Hey. Taking just don't be and live my life. Don't take it personal. Just building, it's my season. Lay foundation, make a name for generations. Please and make a, and take a break or a little vacation and chasing blues away. Hey, hey. You always posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. You got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. हाँ यार, एक चीज़ तो है, घर पे रहो तो डाइट पूरी सही से फॉलो होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या खाना खा लिया, खाना बना लिया, अब काम करते हैं फिर से यार, शाम में मिलते हैं। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज प्रणय एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज पूरा दिन बहुत बढ़िया गया भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। और आज ऑफिस से टाइमली भी फ्री हो गए और काम भी ओके ओके था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। नॉर्मली बहुत वर्कलोड रहता है तो मज़ा आ गया बड़े दिन बाद ऐसा टाइम आया जब थोड़ा सा मतलब टाइमली फ्री हो गए। खैर, तो आज मैं ना सोच रहा था कि किस बारे में वीडियो बनाई जाए। फिटनेस से रिलेटेड वीकेंड पे तो चल ही रहा है अपनी, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, मैं कर रहे हैं। मैं सोच रहा था यार, मतलब कर लूँगा मैं, पर बहुत भूख लग रही है रात में। कभी कभार ऐसा लगता है कि भटूरे खा लो, बड़ा मिस कर रहा हूँ ठीक है। खैर, तो मैं सोच रहा था क्या इन्फॉर्मेशन दें आपको। तो एकदम से एक चीज़ याद आई, अब मुझे ध्यान नहीं है आप लोग को, आप लोग रिलेट कर पाओगे कि नहीं, पर 2-3 साल पहले ना यार एक ट्रेंड चला था वाइट शूज़ का, और उस टाइम ऑल स्टार जो एडिडास के आते हैं वो तो भाई हर इंस्टाग्राम स्टोरी, हर वॉलपेपर में वही शूज़ लोगों ने पहन रखे हैं। तो वाइट शूज़ का मन था भाई का भी, तो उस टाइम अराउंड 7,000 या 7,500 के थे और बहुत महंगे थे स्टोर पे, वो कोई ऑफ नहीं आता उन पे, आई थिंक अब भी कोई ऑफ नहीं आता उन पे। तो गए ले लिए और भाई फुल शो ऑफ,
जहाँ जा रहे हैं चढ़ा के जा रहे हैं। तो यूज़ पूरा किया और अब काफ़ी टाइम भी हो गया उन शूज़ को आए हुए, आई थिंक 2-2.5 साल या 3 साल तो हो गए उनको मैं यूज़ करते हुए। तो लिया, अब आजकल मैं उन्हें जिम में यूज़ कर रहा हूँ। और क्या है, पहले तो वो एग्जैक्ट वाइट थे भाई, और अब वो हो गए हैं येलोइश से, काफ़ी येलो हो गए हैं, स्पेशली जो सामने का पार्ट होता है ना वो मस्त येलो हो गया और अच्छा भी नहीं लगता। तो आप क्या है कि आपके भाई की एक क्वालिटी है, पढ़ाई वढ़ाई सब सही है, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग सही है, पर भाई जूते साफ़ और जूते चमकाने कर में मतलब एकदम प्रो है, ठीक है। तो मैं आपको आज एक टेक्निक बताऊंगा, यूट्यूब में जिसको आप देखोगे साफ़ करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके जूते अगर साफ़ मतलब गंदे हो रहे हैं तो आप ज़रूर उनको उससे साफ़ कर लोगे, पर येलोइश हो गए हैं तो वो टेक्निक फेल हो जाती है। तो भाई आपके साथ है और आपका सोल्यूशन भाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बिल्कुल सस्ता जुगाड़ है सब कुछ। पहला एक टूथब्रश, ठीक है, इससे अगले दिन ब्रश नहीं करना है, तो अलग पुराना वाला जो जूते साफ़ करने के लिए एक पुराना सा हो जाता है ना घर पर पड़ा रहता है कहीं, बिल्कुल वो वाला यूज़ करना है। एक टूथपेस्ट ले लेना और वाइट कलर के टूथपेस्ट लेना यार, मैंने फ़र्स्ट टाइम ना एक बड़ी बकचोदी कर दी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम रेड या आई थिंक ब्लू कलर का टूथपेस्ट यूज़ कर लिया था और जूते में कलर आ गया उसका, खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, सेम सॉल्यूशन इस्तेमाल किया भाई ने, वो भी ओके हो गया था। और तीसरी चीज़, आपको थोड़ा सा सर्फ चाहिए होगा, सर्फ जो है आपको शूज़ के जो अंदर का पार्ट होता है ना जो वाइट वाइट मतलब फोम जो होता है वो, उसके साइड वाला थोड़ा साफ़ करने के लिए यूज़ होगा और कुछ खास काम नहीं है, थोड़ा सा और साइड में रगड़ सकते हो आप, पर मेन वही काम है। तीसरी चीज़ जो अपना सीक्रेट वेपन है वो, शिट वो तो यहाँ पे है नहीं, लेके आते हैं। हाँ भाई, तो ले आए हैं। अब सीक्रेट वेपन क्या है, कुछ लोगों को उससे आइडिया लग गया होगा, कुछ लोगों को आइडिया नहीं लगा होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है एक अपना पीटी होती थी स्कूल में सैटरडे, और कुछ लोगों के में फ्राइडे, अगर आपके 5 दिन ऑफ होते थे, सॉरी 5 दिन स्कूल होता था 2 दिन ऑफ होते थे, मेरा 6 दिन स्कूल रहता था मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो उसमें आखिरी दिन हम लोग वो पहनते ना पीटी शूज़, उनको चमकाने के लिए या उनको साफ़ करने के लिए हम एक पॉलिश यूज़ करते थे, ये वाली। तो ये है हमारा सीक्रेट वेपन, कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले भाई जूते लेके बैठ जाओ आप, ठीक है, आपको आगे वाला उसको पेस्ट लगाना है आपने, ठीक है, ब्रश पे, और रगड़ना चालू, अच्छे से रगड़ो, ठीक है। अब आपके जूते आपने क्या करना है, ऑल स्टार हैं अगर आप पे तो आप थोड़ा उसको पोंछते जाना, गीला मत छोड़ देना, लेदर है वो ख़राब हो जाएगा वो बाहर से, तो उसको पोंछते जाएं, साफ़ करते जाएं और पोंछते जाएं उसको कंटिन्यूसली, सारा जो भी स्टेन है और वो मोस्ट ऑफ दैट विल बी रिमूव, ठीक है, आपका ज़्यादातर चीज़ें हट जाएंगी। अब अंदर वाला सर्फ से यूज़ कर लो आप, जो अंदर की लेड है थोड़ी सी मैंने ऊपर ऊपर से साफ़ करें, आप चाहें तो और डेप्थ में साफ़ कर सकते हैं, मुझे लगा बहुत टाइम लग रहा है यार तो मैंने बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर दिया उसको, आप चाहें तो पूरा भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो लेड है और या फिर नीचे जो उसका सोल होता है ना वो येल्लो हो जाता है, मेरे केस में वही येल्लो है। तो अब आपने क्या करना है, जूते को पोंछ लो अच्छे से, अच्छे से सुखा लो बाहर से, तो भाई वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ उसको गीला नहीं छोड़ सकते आप, या वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते इस वाले शूज़ को, तो अच्छे से सुखा लो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको लो और एक कोट मार दो सूखे हुए शूज़ पर, गीले नहीं होने चाहिए, तो सूखे उस पर एक कोट मार दो, छोड़ दो 1-2 घंटा, वो सूख जाएगा अपना मस्त। फिर भी आपको येल्लो लग रहा है, एक कोट और मार दो, ठीक है। तो ऐसे करने हैं 2-3 कोट करने हैं आपने, और फिर उसको सूखने डाल दो, अगले दिन पूरा सूखेगा वो, भाई ने मतलब अगले दिन डाल दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे शूज़ कैसे हो गए, भाई के शूज़ ऐसे हो गए हैं बिल्कुल चमक रहे हैं भाई देखो, ठीक है, पूरा ये पूरा येल्लो हो गया था। और सबसे मस्त बात पता क्या है, हम जूते साफ़ भी करते हैं ना तो अपनी इसमें एक स्टिचिंग होती है आगे, वो ब्लैक ही रह जाती है साफ़ करने के बाद भी, इससे वो भी बिल्कुल वाइट हो जाती है, तो ऐसा लगता है ब्रांड न्यू शूज़ है। तो ये था भाई हमारा जुगाड़, ठीक है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो ये था भाई का सस्ता जुगाड़, ठीक है, ये पॉलिश हम बेसिक चीज़ें यार हम भूल जाते हैं, तो ये बहुत मस्त चीज़ है। आप क्या करना है भाई, आप हो रही है रात, 10,000 स्टेप्स करने हैं आज भी, थोड़े से बाकी रह गए हैं, भाई जाएगा वॉक पे और फिर सो जाऊँगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और संडे मिलते हैं।